सब स्वागत आप सभी का टीचर्स अड्डा के यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि गाइज आप सबको पता है कि यूजीसी नेट की जो एग्ज़ाम की डेट्स हैं वो हमारी आ गई हैं। जी हाँ स्टूडेंट्स, जो एनटीए है उसने अपना ऑफिशियल नोटिस जारी कर दिया है यूजीसी एग्ज़ाम की डेट्स को लेकर। और उस नोटिस में क्या लिखा गया है कि जो हमारा यूजीसी नेट का एग्ज़ाम है वो 6 अक्टूबर से 11 अक्टूबर के बीच रहेगा। जो हमारा एग्ज़ाम है वो कब से कब तक रहेगा? 6 अक्टूबर से 11 अक्टूबर के बीच तक। तो गाइज और क्या है उसे एक इन्फॉर्मेशन में, एक तो ये है कि आपकी जो यूजीसी नेट के एग्जाम की डेट्स है वो 6 अक्टूबर से 11 अक्टूबर है। प्लस उसमें क्या है कि जो स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक अप्लाई नहीं किया है, अपने आप को एनरोल नहीं किया है, अपने आप को रजिस्टर नहीं किया है यूजीसी नेट के एग्जाम के लिए, वो स्टूडेंट्स अब यूजीसी नेट के एग्जाम के लिए खुद को एनरोल कर सकते हैं, जिसकी जो लास्ट डेट है वो है 5 सेप्टेम्बर। यानी कि 10 अगस्त से लेकर 5 सितंबर तक आप अपने आप को यूजीसी नेट के एग्जाम के लिए क्या कर सकते हो? रजिस्टर कर सकते हो। ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि जो यूजीसी है, एनटीए ने एक बड़ा डिसीजन लिया। वो क्या लिया है कि जो हमारा दिसंबर 2020 का एग्जाम होने वाला था प्लस जो जून 2021 में हमारा जो एग्जाम होने वाला था, उन दोनों एग्जाम की जगह पर अब एक ही एग्जाम लिया जाएगा जो कि हमारा 6 अक्टूबर से 11 अक्टूबर के बीच में रहेगा। तो जिन स्टूडेंट्स ने दिसंबर 2020 साइकिल के लिए जो अप्लाइड कर चुके हैं उनका भी एग्जाम होगा, प्लस जो कैंडिडेट्स अब जो जून 2021 में अपीयर होने वाले थे, जिन क्योंकि कोरोना है, कोरोना की वजह से हमारा जो एग्जाम है साल में 2 बार होता है, लेकिन ये कोरोना की वजह से साल में एक ही बार हो पाया एग्जाम। इसलिए एनटीए ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया कि उसने जून 2021 और जो दिसंबर 2020 का जो एग्जाम है उन दोनों को कंबाइन कर दिया, उन दोनों को क्लब कर दिया, और उसके 2 एग्जाम की जगह वो क्या है, एक ही एग्जाम लेगी जो कि हमारा 6 अक्टूबर से 11 अक्टूबर के बीच रहेगा। तो गाइस जिस भी स्टूडेंट्स ने अपने आप को रजिस्टर करना है, जिसने यूजीसी नेट के एग्जाम को देना है और जिसने अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया था, वो स्टूडेंट्स भी अपने आप को अब क्या है फॉर्म को फिल कर सकते हैं। प्लस इसमें क्या है कि जो एज रिलैक्सेशन है कि जिन स्टूडेंट्स का अगर जो नेट का एग्जाम है या जेआरएफ अगर वो क्वालिफाई हो जाता है तो उनकी जो एज है वो अब क्या है 31 ईयर कर दी गई, और वो भी सिर्फ और सिर्फ इस एग्जाम के लिए। इससे पहले जितने भी हमारे एग्जाम है तो वहां पर जो हमारी जेआरएफ की एज है वो रहती है हमारी 30 ईयर्स, कि 30 ईयर तक आप जेआरएफ के एग्जाम को दे सकते हो, जेआरएफ के लिए क्वालिफाई कर सकते हो। लेकिन लेकिन क्या है, अब जो स्टूडेंट्स इस साल अपियर होंगे उनके लिए 1 साल का रिलैक्सेशन दिया गया कि अब आप 31 ईयर तक क्या कर सकते हो, अपना जेआरएफ के एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो। तो गाइज अगर कोई भी स्टूडेंट्स है जिसने अभी तक अपने आप को एनरोल नहीं किया है, फॉर्म फिल नहीं किया और वो यूजीसी नेट के एग्जाम को देना चाहता है, तो पोर्टल ओपन हो चुका है। 5 सितंबर इज द लास्ट डेट, 5 सितंबर तक आप अपने यूजीसी नेट के एग्जाम के फॉर्म को फिल कर सकते हो। और गाइज इसी के लिए टीचर्स अड्डा आप सभी स्टूडेंट्स के लिए क्रैश कोर्सेज लेकर आ रहा है, पेपर 1 के लिए भी और पेपर 2 के लिए भी। तो हमारे उस क्रैश कोर्सेज में जो कि हमारे 23rd अगस्त से स्टार्ट हो रहे हैं पेपर 1 के लिए भी और पेपर 2 के लिए भी, दोनों पेपर के लिए हमारे जो क्रैश कोर्सेज है वो स्टार्ट हो रहे हैं 23rd अगस्त से। तो अपने आप को उसमें एनरोल कीजिए, बहुत ही नॉमिनल अमाउंट पे आपको क्या है क्रैश कोर्सेज दिए जा रहे हैं, जिसमें आपकी यूजीसी नेट की तैयारी करवाई जाएगी, आपकी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी करवाई जाएगी, आपको पीडीएफ की फॉर्म में सारे की सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, सारा डाटा मिलेगा, सारा सिलेबस मिलेगा, प्लस आपको एमसीक्यूज करवाए जाएंगे, प्लस आपको प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है वो करवाए जाएंगे, प्लस क्या है आपका 5 मॉक टेस्ट भी रखे जाएंगे। जैसे आप एग्जाम का जो पैटर्न रहता है, जिस तरह से एग्जाम में टाइमिंग होती है कि आपको इतने टाइम में इतने क्वेश्चंस करने हैं, 150 क्वेश्चन करने हैं, 3 घंटे का टाइम है, ऐसे ही आपको मॉक टेस्ट भी कराए जाएंगे। तो गाइज अपने आप को टीचर्स अड्डा के यूट्यूब चैनल पर, जहां पर जब हम क्या है 2 आपके लिए जो क्रैश कोर्सेज ला रहे हैं पेपर 1 और पेपर 2, उसमें अपने आपको एनरोल करना मत भूलिए। ज्यादा से ज्यादा जुड़िए, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स जो है उनमें अपने आपको एनरोल किए, क्योंकि बहुत ही नॉमिनल अमाउंट पे आपको क्या है ये कोर्सेज ऑफर किया जा रहा है। तो आपके जो भी स्टूडेंट्स, आपके जो क्या है फ्रेंड सर्कल में है जो यूजीसी नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे वो पेपर 1 के लिए कर रहे हो, चाहे वो पेपर 2 कॉमर्स के लिए कर रहे हो, तो उन्हें इस कोर्स में जरूर से जरूर एनरोल करवाइए। और अपने जो ड्रीम्स है, अपना जो यूनिवर्सिटीज और कॉलेज में पढ़ाने का जो आपका सपना है उसको साकार कीजिए। तो आइए गाइज करते हैं हम अपने आज के सेशन स्टार्ट, जिसमें हम FM जो हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उससे रिलेटेड जो MCQs है उनको करेंगे। मैम मैं पोस्ट ग्रेजुएट नहीं हूँ, क्या मैं UGC NET अप्लाई कर सकता हूँ?
जी पोस्ट यूजीसी नेट के एग्जाम को अप्लाई करने के लिए आपके पास मास्टर डिग्री का होना जरूरी है, या तो आप मास्टर डिग्री में अपियरिंग हो या आप मास्टर डिग्री कंप्लीट कर चुके हो, दोनों में से कोई ना कोई कंडीशन आपकी जरूर होनी चाहिए। और मास्टर डिग्री विद मिनिमम 55%, कम से कम जो आपकी पीजी डिग्री है उसमें कम से कम 55% आपके मार्क्स होने चाहिए, तब आप यूजीसी नेट के एग्जाम के लिए फॉर्म फिल कर सकते हो। या तो आप मास्टर डिग्री में अपियरिंग हो, मतलब आप एडमिशन ले चुके हो, फर्स्ट ईयर जो है वो आप कंप्लीट कर चुके हो, आप अपियरिंग में हो, तो आप यूजीसी नेट के एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हो, या फिर आप अपनी पीजी कंप्लीट कर चुके हो विद मिनिमम 55%, तब आप यूजीसी नेट के एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो गाइस बढ़ते हैं हमारे आज के सेशन की तरफ, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे अपना जो हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमारे यूजीसी नेट के एग्जाम में जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है, जहां से हमारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसके एमसीक्यूज आज हम करेंगे। तो आइए हमारे साथ जुड़िए, फटाफट कमेंट कीजिए अपने आंसर्स। तो पहला क्वेश्चन है आपका, बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज, बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है? मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर वेल्थ, एंश्योरिंग फाइनेंशियल डिसिप्लिन इन द फर्म, एंड ऑल ऑफ दिस। बताओ स्टूडेंट्स, फटाफट आंसर करें। बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या रहता है? तो आंसर है आपका मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर वेल्थ, मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर वेल्थ, कि जो हमारी फाइनेंशियल मैनेजमेंट होती है उसका जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है, हमारे जो शेयर होल्डर है उसके वेल्थ को, उसकी वैल्यू को जनरेट करना, जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं उन शेयर होल्डर की वेल्थ को इंक्रीज करना, शेयर होल्डर की वैल्यूज को इंक्रीज करना ही हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्या है, बेसिक ऑब्जेक्टिव है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर रेफर्स टू, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर का मीनिंग क्या है? फाइनेंशियल स्ट्रक्चर रेफर्स टू क्या होता है? फाइनेंशियल स्ट्रक्चर शॉर्ट टर्म रिसोर्सेज, ऑल द फाइनेंशियल रिसोर्सेज, लॉन्ग टर्म सोर्सेज, ऑल ऑफ दिस। बताओ स्टूडेंट्स, हरी अप आंसर कीजिए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। फाइनेंशियल स्ट्रक्चर किसे कहा जाता है? शॉर्ट टर्म रिसोर्सेज, लॉन्ग टर्म रिसोर्सेज, ऑल द फाइनेंशियल रिसोर्सेज, और ऑल ऑफ दिस। हरी अप स्टूडेंट्स, फटाफट आंसर कीजिए, फटाफट कमेंट कीजिए, देखते हैं किसका आंसर है। आपको जो आपने आज तक फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ा उसके रिगार्डिंग आप कितने पानी में है, कितने क्वेश्चंस आपको आते हैं, कितने नहीं आते, आपकी कितनी तैयारी है, कितना आप स्कोर कर सकते हो फाइनेंशियल मैनेजमेंट की यूनिट से। मोहित सिंगला का आंसर आ रहा है सी, लॉन्ग टर्म रिसोर्सेज, एंड द राइट आंसर इज ऑल द फाइनेंशियल रिसोर्सेज। हमारा जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर होता है, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर एक होता है हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर, एक होता है हमारा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर में हम क्या है, सारा कुछ, कैपिटल स्ट्रक्चर यानी कि हमारी जो कैपिटल है उसमें डेट कितना रहेगा क्या, और हमारी इक्विटी क्या रहेगी, वो सब। लेकिन जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में आपके जितने भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, जितने भी क्या हैं आपके फाइनेंशियल रिसोर्सेज, चाहे वो आपके शॉर्ट टर्म हो, चाहे वो आपके लॉन्ग टर्म हो, डजंट मैटर, टाइम पीरियड मैटर ही नहीं करता, जितने भी आपके फाइनेंशियल रिसोर्सेज है वो सभी फाइनेंशियल रिसोर्सेज आपका क्या कहलाते हैं, आपका फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, यानी कि वो स्ट्रक्चर जिसमें हम अपने सारे के सारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज को लेकर चलते हैं, चाहे वो आपका शॉर्ट टर्म हो, चाहे वो आपका लॉन्ग टर्म हो, डजंट मैटर, आपका जो टाइम पीरियड है वो मैटर ही नहीं करेगा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर के लिए, दैट्स योर फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, ऑल द फाइनेंशियल रिसोर्सेज कॉल्ड द फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म इज द रिजल्ट ऑफ, मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म, 20 सेकंड का टाइम है स्टूडेंट्स, फटाफट आंसर कीजिए। मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म इज द रिजल्ट ऑफ, एक फर्म की जो मार्केट वैल्यू वो किसकी वजह से होती है? डिविडेंड डिसीजन, वर्किंग कैपिटल डिसीजन, कैपिटल बस्टिंग डिसीजन, ट्रेड ऑफ बिटवीन रिस्क एंड रिटर्न। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग, फटाफट आंसर कीजिए आफरीन, फटाफट। एक फर्म की जो मार्केट वैल्यू है वो किसकी वजह से होती है? एक फर्म की मार्केट वैल्यू किसकी वजह से होती है? डिविडेंड डिसीजन, वर्किंग कैपिटल डिसीजन, कैपिटल बस्टिंग डिसीजन, और ट्रेड ऑफ बिटवीन रिस्क एंड रिटर्न। फटाफट आंसर कीजिए स्टूडेंट्स, अभी तक किसी भी स्टूडेंट का कोई आंसर नहीं आया, और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आफरीन कह रही है वर्किंग कैपिटल डिसीजन। बाकी स्टूडेंट्स फटाफट आंसर कीजिए, क्या आंसर रहेगा आपका?
कि एक फर्म की जो मार्केट वैल्यू है वो किसकी वजह से होती है? तो राइट आंसर है आपका ट्रेड ऑफ बिटवीन रिस्क एंड रिटर्न, ट्रेड ऑफ बिटवीन रिस्क एंड रिटर्न, कि जो हमारी फर्म के अंदर रिस्क कितना है और फर्म के रिटर्न्स कितनी है। एक फर्म के रिस्क और रिटर्न ही उसकी मार्केट वैल्यू को क्या करती है, डिटरमिन करते कि एक फर्म में क्या है, रिस्क कितना है और रिटर्न वो हमें कितना दे रही है, उसके बीच का ट्रेड ऑफ ही क्या डिसाइड करेगा, उस फर्म की मार्केट वैल्यू को डिसाइड करेगा। मोहित सिंगला का आंसर आ रहा है डी, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज, कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होती है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल लेसर देन द कॉस्ट ऑफ डेट कैपिटल, इक्वल टू द लास्ट डिविडेंड पेड टू द इक्विटी शेयर होल्डर, इक्वल टू डिविडेंड एक्सपेक्टेशन ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर फॉर द कमिंग ईयर, नन ऑफ द अबव। बताओ स्टूडेंट्स, कॉस्ट ऑफ कैपिटल आप किसे कहेंगे, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल? हरी अप फटाफट स्टूडेंट्स, फटाफट आंसर कीजिए। कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होती है? लेसर देन द कॉस्ट ऑफ डेट कैपिटल, इक्वल टू लास्ट डिविडेंड पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर, इक्वल टू डिविडेंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर फॉर द कमिंग ईयर, और नन ऑफ द अबव। हरी अप स्टूडेंट्स, एंड द राइट आंसर इज नन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव, क्योंकि इनमें से कोई भी क्या है, हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल नहीं है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब होता है वो कि एक फर्म ने जो कैपिटल ली हुई है, एक फर्म ने जो कैपिटल ले रखी है, उस कैपिटल के ऊपर वो जितना रिटर्न दे रही है, यानी कि उस कैपिटल को लेने के लिए कंपनी उसके ऊपर कितना रिटर्न दे रही है। अगर शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो वो होता है रिटर्न, और कंपनी उस कैपिटल के लिए, उसको कंपनी को उस कैपिटल को लेने के लिए, एक फर्म को लेने के लिए जितनी कॉस्ट बियर करनी पड़ रही है, दैट इज योर कॉस्ट ऑफ कैपिटल। फॉर एग्जाम्पल, अगर कंपनी क्या कर रही है, डिबेंचर इशू करती है, राइट, कंपनी ने डिबेंचर इशू किए, उसने 10 लाख रुपए के क्या किए, डिबेंचर इशू कर दिए, और इस 10 लाख रुपए के ऊपर कंपनी हर साल 10% के हिसाब से क्या है, इंटरेस्ट पे करेगी। क्या पे करेगी? इंटरेस्ट। कंपनी ने 10 लाख रुपए के क्या किए, डिबेंचर इशू कर दिए मार्केट में, ठीक है, मार्केट में डिबेंचर इशू किए, और इस 10 लाख रुपए के डिबेंचर इशू करने के लिए उसको हर साल क्या करना पड़ेगा, 10% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो ये 10% इंटरेस्ट ही कंपनी का क्या है, कॉस्ट है, यानी कि कंपनी ने जो पैसा उठाया है मार्केट से, थर्ड पार्टी से, या फिर शेयर इशू करके जो भी पैसा उठाती है, उसके ऊपर वो जो भी रिटर्न देती है, जो भी प्रोवाइड करती है, वो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कहलाएगी, कंपनी की कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो एक फर्म अपनी जो भी रिसोर्सेज है, उन रिसोर्सेज को लेने के लिए जो भी उसको कॉस्ट बियर करनी पड़ती है, जिस पर उसको वो रिटर्न्स मिलते हैं, जिस पर उसको वो कैपिटल मिलती है, वो कैपिटल की कॉस्ट ही आपकी क्या कहलाती है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने बात करी कि अगर एक कंपनी 10 लाख रुपए के शेयर, डिबेंचर या शेयर कुछ भी इशू करते हैं, और उसके ऊपर हर साल 10% के हिसाब से डिविडेंड या इंटरेस्ट पे करती है, वो 10% का इंटरेस्ट या डिविडेंड ही क्या कहलाएगा, उस कंपनी की कॉस्ट ऑफ कैपिटल। गाइस, वीडियो अगर आपको समझ में आ रही हो, क्वेश्चन अगर आपको समझ रहा है, तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए जरूर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन वॉल्टर मॉडल फॉर्मूला डी स्टैंड्स फॉर, जो हमारा वॉल्टर मॉडल है, जो हमारा क्या है, वॉल्टर मॉडल है, उस वॉल्टर मॉडल में डी का मतलब क्या है? डी, डिविडेंड पर शेयर, डायरेक्ट डिविडेंड, डायरेक्ट अर्निंग, नन ऑफ दीज। बताओ स्टूडेंट्स, हरी अप। हमारे डिविडेंड डिसीजंस में, डिविडेंड थ्योरीज में एक वॉल्टर मॉडल है, उस वॉल्टर मॉडल में हमारा एक डी है। डी का मीनिंग यहाँ पर क्या है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। फटाफट स्टूडेंट्स, फटाफट आंसर कीजिए, हरी अप। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है आपका, डिविडेंड पर शेयर, डायरेक्ट डिविडेंड, डायरेक्ट अर्निंग, या फिर नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर है आपका डिविडेंड पर शेयर। जो हमारा वॉल्टर मॉडल है डिविडेंड को कैलकुलेट करने का, उस वॉल्टर मॉडल में हमारा जो फॉर्मूला है, उसमें डी का मतलब होता है डिविडेंड पर शेयर। क्या होता है? डिविडेंड पर शेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डैश सिक्योरिटी इज नोन एज वेरिएबल इनकम सिक्योरिटी।
कौन सी सिक्योरिटी को वेरिएबल इनकम सिक्योरिटी कहा जाता है? वेरिएबल इनकम सिक्योरिटी यानी कि जहां पर जो हमारी इनकम है वो वेरी करती रहती है, यानी कि कभी हमें इनकम कम होती है, कभी हमें इनकम ज्यादा होती है। ऐसी कौन सी सिक्योरिटी है जिसके ऊपर हमें जो इनकम है वो कभी कम कभी ज्यादा, यानी कि वो वेरिएबल रहती है, फ्लक्चुएट होती रहती है, कभी कम कभी ज्यादा, कभी फिक्स नहीं रहती। ऐसी कौन सी सिक्योरिटी है? डिबेंचर, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर या नन ऑफ दीज? बताओ स्टूडेंट्स, हरी अब, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। मोहित एंड आफरीन फटाफट आंसर कीजिए, क्या आंसर रहेगा? ऐसी कौन सी सिक्योरिटी है जिसके ऊपर जो हमारी इनकम है वो फ्लक्चुएट होती रहती है, वेरी करती रहती है, कभी फिक्स नहीं रहती, कभी कम हो रही है, कभी ज्यादा हो रही है, कि उस सिक्योरिटी का नाम क्या है? फटाफट स्टूडेंट्स, मोहित सिंगला का आंसर आ रहा है इक्विटी। आफरीन फटाफट आंसर कीजिए, क्या आंसर रहेगा आपका? एंड द राइट आंसर इज इक्विटी, क्योंकि इक्विटी शेयर के ऊपर ही जो हमारा डिविडेंड है वो डिविडेंड हमारा फ्लक्चुएट होता रहता है। कभी हमें डिविडेंड, जब कंपनी को प्रॉफिट ज्यादा हो रहे हैं तो वो डिविडेंड हमें ज्यादा मिलता है, जब कंपनी को प्रॉफिट कम हो रहे होते तो वो कंपनी अपने शेयर होल्डर को जो डिविडेंड है वो कम देती है, और जब कंपनी को प्रॉफिट ही नहीं होते, बिल्कुल भी प्रॉफिट नहीं है, लॉस में जा रही है, तो कंपनी इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड नहीं भी देती। तो इक्विटी शेयर ही एक ऐसी सिक्योरिटी है, एक ऐसी शेयर है जिसके ऊपर जो हमारी इनकम है कब हमेशा वेरी रहती है। डिबेंचर्स के ऊपर पर हमारा जो इंटरेस्ट है वो फिक्स होता है कि हमें इतना इंटरेस्ट देना ही देना है, बिल्कुल फिक्स है। अगर हम टाइम पे उनका इंटरेस्ट पे नहीं करेंगे तो डिबेंचर होल्डर कोर्ट में जाके कंपनी के ऊपर क्या कर देंगे, केस कर देंगे। तो उनका इंटरेस्ट क्या है, बिल्कुल फिक्स होता है, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो चाहे कंपनी को लॉस हो, उन्हें हर साल अपना जो इंटरेस्ट है वो देना ही देना है। ऐसे ही जो प्रेफरेंस शेयर है इसके ऊपर भी जो हमारा डिविडेंड है वो डिविडेंड हमारा क्या होता है, फिक्स होता है, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो, चाहे कंपनी को ज्यादा प्रॉफिट हो, चाहे कंपनी को कम प्रॉफिट हो, प्रेफरेंस शेयर होल्डर के डिविडेंड देना ही देना है। लेकिन जो इक्विटी शेयर्स होते हैं, इक्विटी शेयर्स के ऊपर आपका जो डिविडेंड है वो फिक्स नहीं होता है, कंपनी की अपनी विषय, चाहे तो वो अपने शेयर होल्डर को सारा का सारा प्रॉफिट एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दे, और चाहे तो वो सारा का सारा रिटेन करके रख ले, और जब कंपनी को लॉस हो रहा है तब तो कोई मर्जी है कंपनी की, चाहे वो दे या ना दे, इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड देना कोई जरूरत, मतलब कोई जरूरी नहीं है अगर कंपनी को लॉस हो रहा है। लेकिन डिबेंचर्स के ऊपर इंटरेस्ट देना बिल्कुल जायज है। तो आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्विक एसेट डज नॉट इंक्लूड, क्विक एसेट्स में क्या इंक्लूड नहीं किया जाता है? मोहित और आफरीन दोनों का बिल्कुल सही आंसर आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्विक एसेट्स में क्या क्या इंक्लूड नहीं किया जाता, बताओ स्टूडेंट्स। गवर्नमेंट बॉन्ड्स, बुक डेट, एडवांस फॉर सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल और इन्वेंटरी। क्विक एसेट्स डज नॉट इंक्लूड, क्विक एसेट में क्या इंक्लूड नहीं किया जाता है? क्विक एसेट्स वो एसेट्स होती हैं हमारी जिनको हम बहुत जल्दी क्या है, हम क्विक एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जिनको बहुत जल्दी क्या है, हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्विक एसेट्स वो एसेट्स जिनको हम बहुत जल्दी क्या है, कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो होती हैं हमारी क्विक एसेट। तो गवर्नमेंट बॉन्ड, बुक डेट्स, एडवांस फॉर सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल एंड इन्वेंटरी, जो हमारा स्टॉक है उसको हम क्विक एसेट्स में इंक्लूड नहीं करके चलते। जो हमारी इन्वेंटरी है उसको हम क्विक एसेट्स में इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि जो हमारा स्टॉक है बिकने को तो क्या पता कल ही बिक जाए, और ना बिके तो क्या पता साल दो साल तक वो हमारे पास पड़ा रहे। तो इसी रीजन की वजह से जो इन्वेंटरीज है उसको क्विक एसेट्स में इंक्लूड नहीं किया जाता, क्योंकि क्विक एसेट्स क्या होती है, वो एसेट्स जिनको हम बहुत ज्यादा जल्दी कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लॉन्ग टर्म फाइनेंस इज रिक्वायर्ड फॉर, कि लॉन्ग टर्म फाइनेंस की हमें जरूरत क्यों पड़ती है, लॉन्ग टर्म जो फाइनेंस है वो हमारे हमें उसकी जरूरत क्यों पड़ती है, लॉन्ग टर्म फाइनेंस की जरूरत हमें किसके लिए होती है? करंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स, नन ऑफ दीज, बताओ स्टूडेंट्स। हरी अब, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, जो हमारे लॉन्ग टर्म फाइनेंस है हमें उसकी नीड किसके लिए होती है, करंट एसेट्स के लिए, फिक्स्ड एसेट्स के लिए, इंटेंजिबल एसेट्स, या फिर नन ऑफ दीज? हरी अप स्टूडेंट्स, हरी अप, मोहित सिंगला का आंसर आ रहा है फिक्स्ड एसेट्स। बाकी स्टूडेंट्स हरी अप आंसर कीजिए।
और मोहित सिंगला का आंसर बिल्कुल सही है कि जो हमारे लॉन्ग टर्म फाइनेंस होते हैं उनकी हमें जरूरत होती है फिक्स्ड एसेट्स के लिए। जो हमारे लॉन्ग टर्म फाइनेंस है उसके लिए हमें नीड उसकी हमें नीड होती है हमारे जितनी भी नॉन करेंट एसेट्स हैं या फिर जो हमारे क्या है फिक्स्ड एसेट्स हैं। और जो हमारे शॉर्ट टर्म फाइनेंस होते हैं, शॉर्ट टर्म फाइनेंस के लिए हमारी नीड होती है वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल कह लो या फिर आप कह सकते हो करेंट एसेट्स। लॉन्ग टर्म फाइनेंस के लिए जो हमारी नीड्स होती है उसके लॉन्ग टर्म फाइनेंस से है, जो हमारी नॉन करेंट एसेट्स होते हैं जो हमारी फिक्स एसेट्स हैं उनकी नीड्स को पूरा करते हैं, और जो शॉर्ट टर्म फाइनेंस है उससे हम जो हमारी करेंट एसेट्स हैं उनकी नीड्स को हम पूरा करते हैं। आफरीन और मोहित सिंगला का बिल्कुल सही आंसर आया है, वेल डन गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइनेंशियल लिवरेज कैन बी मेजर्ड इन, फाइनेंशियल लिवरेज को कैसे मेजर किया जा सकता है, स्टॉक टर्म में, फ्लो टर्म में, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। जो हमारा फाइनेंशियल लिवरेज है, फाइनेंशियल लिवरेज को कैसे मेजर किया जा सकता है। फाइनेंशियल लिवरेज, स्टॉक टर्म, फ्लो टर्म, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। हरी अप गाइज, हरी अप। आफरीन कह रही है बी, फ्लो टर्म में। मोहित सिंगला फटाफट आंसर कीजिए, देखते हैं किसका आंसर सही है। एंड द राइट आंसर इज बोथ ए एंड बी। जो फाइनेंशियल लिवरेज है उसको हम स्टॉक और फ्लो टर्म दोनों में ही क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। फाइनेंशियल लिवरेज को हम स्टॉक टर्म और फ्लो टर्म दोनों में ही मेजर कर सकते हैं। मोहित सिंगला का बिल्कुल सही आंसर आया है, सॉरी गलत, मोहित सिंगला कह रही हैं डी, डी इज नॉट द आंसर। जो फाइनेंशियल लिवरेज है उसको स्टॉक टर्म और फ्लो टर्म दोनों में मेजर किया जा सकता है, बोथ ऑफ दीज, बोथ ऑफ दीज इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, करंट रेशियो ऑफ अ कंसर्न इज वन, करंट रेशियो ऑफ अ कंसर्न इज वन, इट्स नेट वर्किंग कैपिटल विल बी, कि किसी फर्म की जो करंट रेशियो है वो कितनी है, वन है, तो उसकी नेट वर्किंग कैपिटल क्या होगी, बताओ स्टूडेंट्स। अगर किसी कंपनी की, किसी फर्म की जो करंट रेशियो है वो क्या है, वन है, तो उसकी नेट वर्किंग कैपिटल क्या होगी, बताओ स्टूडेंट्स, पॉजिटिव, न्यूट्रल, नेगेटिव या नन ऑफ दीज। हरी अप, हरी अप स्टूडेंट्स, हरी अप। आंसर है आपका नेगेटिव। अगर किसी कंसर्न की जो करंट रेशियो है वो क्या है, वन होगी, तो उसकी वर्किंग कैपिटल क्या होगी आपकी, नेगेटिव। उसकी वर्किंग कैपिटल क्या होगी, नेगेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ इंप्लाइज, रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ इंप्लाइज, कि जो किसी भी कंपनी का रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ है वो क्या इंप्लाई करता है, रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ क्या इंप्लाई करता है। इंक्रीजिंग द पोर्टफोलियो ऑफ द फर्म इन दो इंक्रीज्ड प्रोडक्शन, बी है नॉट टेकिंग एनी लोन विच इंक्रीजेस द रिस्क, नॉट ग्रांटिंग क्रेडिट टू रिस्की कस्टमर्स एंड टेकिंग डिसीजंस इन सच अ वे विच ऑप्टिमाइज द बैलेंस बिटवीन रिस्क एंड रिटर्न। रिस्क एंड रिटर्न ट्रेड ऑफ क्या इंप्लाई करता है, बताओ स्टूडेंट्स, हरी अप। फोर, मोहित सिंगला का आंसर आ रहा है डी, टेकिंग डिसीजन इन सच अ वे विच ऑप्टिमाइज द बैलेंस बिटवीन रिस्क एंड रिटर्न, एंड द आंसर इज राइट। जो हमारा रिस्क और रिटर्न का ट्रेड ऑफ है वो क्या इंप्लाई करता है, ऐसे डिसीजंस लेना या डिसीजन को इस तरीके से लेना जो हमारे रिस्क और रिटर्न में क्या करे, बैलेंस करे। ऐसे डिसीजन लेना या डिसीजन जो है इस तरीके से डिसीजंस लेना जिससे हमारे जो रिस्क है और जो रिटर्न है उसमें क्या बना रहे, बैलेंस बना रहे। तो यही आपका रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ। रिस्क रिटर्न का मतलब क्या है, रिस्क मान लो ये रिस्क है और ये है हमारा रिटर्न, तो रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ यानी कि जहां पर हमारा रिस्क और रिटर्न दोनों क्या है, एक दूसरे के इक्वल है। तो ऐसे डिसीजन लेना जहां पर हमारा रिस्क भी और हमारे रिटर्न क्या है, एक दूसरे के इक्वल हो, बैलेंस हो दोनों में, उसी को हम क्या कहते हैं, रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ। नेक्स्ट है आपका,
डैश इज अ स्पेसिफिक रिस्क फैक्टर, डैश इज अ स्पेसिफिक रिस्क फैक्टर, मार्केट रिस्क, इन्फ्लेशन रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क। बताओ स्टूडेंट्स, हरी अप, हरी अप स्टूडेंट्स, हरी अप, क्या आंसर रहेगा? इनमें से कौन सा आपका स्पेसिफिक रिस्क फैक्टर है? स्पेसिफिक रिस्क फैक्टर, आफरीन कह रही हैं ए मार्केट रिस्क। लेट सी, राइट आंसर इज फाइनेंशियल रिस्क। फाइनेंशियल रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क आपका क्या है? स्पेसिफिक रिस्क फैक्टर है। फाइनेंशियल रिस्क इज योर स्पेसिफिक रिस्क फैक्टर, क्योंकि हम यहाँ पर फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो फाइनेंस से रिलेटेड है उसके क्वेश्चंस, उसके एमसीक्यूज को डिस्कस कर रहे हैं, और हम यहाँ पर फाइनेंस से रिलेटेड जो हमारे फाइनेंशियल अकाउंट्स है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, उससे रिलेटेड हम बात कर रहे हैं। तो फाइनेंशियल रिस्क इज अ स्पेसिफिक रिस्क फैक्टर। डैश इज नॉट ए डाइवर्सिफिएबल और स्पेसिफिक रिस्क फैक्टर, इनमें से कौन सा आपका डाइवर्सिफिएबल या स्पेसिफिक रिस्क फैक्टर नहीं है? कंपनी में स्ट्राइक होना, बैंकरप्सी ऑफ अ मेजर सप्लायर, एक सप्लायर जो हमारा मेजर सप्लायर था वो बैंकरप्ट हो गया है, डेथ ऑफ अ की कंपनी ऑफिसर एंड इंडस्ट्रियल रिसेशन। बताओ स्टूडेंट्स, हरी अप, इनमें से क्या आपका डाइवर्सिफिएबल या स्पेसिफिक रिस्क फैक्टर नहीं है? डैश इज नॉट अ डाइवर्सिफिएबल और स्पेसिफिक रिस्क फैक्टर। आंसर है आपका इंडस्ट्रियल रिसेशन। इंडस्ट्रियल रिसेशन है कि जो हमारी इंडस्ट्री है उसमें रिसेशन आ जाना आपका क्या है? डाइवर्सिफिएबल रिस्क फैक्टर नहीं है, डाइवर्सिफिएबल स्पेसिफिक रिस्क फैक्टर नहीं है। डाइवर्सिफिएबल क्या होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मेजर बेनिफिट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन इज टू, कि हम डाइवर्सिफिकेशन किस लिए करते हैं? मेजर बेनिफिट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन क्यों किया जाता है? इंक्रीज द एक्सपेक्टेड रिटर्न, इंक्रीज द साइज ऑफ द इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, रिड्यूस ब्रोकरेज कमीशन और रिड्यूस द एक्सपेक्टेड रिस्क। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि डाइवर्सिफिकेशन क्यों किया जाता है? हरी अप स्टूडेंट्स, हरी अप, आंसर कीजिए। मोहित सिंगला, आफरीन और बाकी जितने भी स्टूडेंट्स लाइव देख रहे हैं, फटाफट आंसर कीजिए कि डाइवर्सिफिकेशन किस वजह से किया जाता है? मेजर बेनिफिट क्या है डाइवर्सिफिकेशन करने का? तो मेजर बेनिफिट है डाइवर्सिफिकेशन करने का रिड्यूस द एक्सपेक्टेड रिस्क, कि जो हमारा रिस्क है उस रिस्क को हम क्या कर सके? कम कर सके। इसलिए हम अपनी जो सिक्योरिटीज है उनमें क्या करते हैं? डाइवर्सिफिकेशन। तो गाइज, डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है ये मैं आपको बताती हूँ। मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में इसलिए नहीं बताया क्योंकि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन डाइवर्सिफिकेशन से ही रिलेटेड था। तो डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है विविधता, कि आपकी जो शेयर्स है, आपकी जो सिक्योरिटीज है, जिन भी सिक्योरिटीज में आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है, उन सभी, मतलब आप सभी एक ही जैसे सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट ना करें, ताकि डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है कि एक ही जैसी सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट ना करना, मतलब अलग अलग सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करना। यानी कि अगर आपके पास 50,000 रुपए हैं और इन 50,000 रुपए से आप क्या है शेयर खरीदना चाहते हैं, तो 50,000 रुपए से सिर्फ एक ही कंपनी के शेयर ना खरीदें, बल्कि इस 50,000 से आप क्या है 4 से 5 कंपनियों के शेयर परचेज करो। मान लो 10,000 रुपए के आपने 5 कंपनियों के अलग अलग शेयर परचेज कर लिए, तो उसे हम कहेंगे डाइवर्सिफिकेशन। ताकि कल को अगर किसी कंपनी के शेयर के प्राइसेस अगर कम होते तो हो सकता है किसी के ज्यादा भी हो, ठीक है, जिससे आपका जो रिस्क है वो क्या हो जाए मिनिमम, और जो आपका रिटर्न है वो क्या हो जाए आपका मैक्सिमम। तो रिस्क को कम करने के लिए और रिटर्न को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं? डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है अलग अलग टाइप की सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करना, मतलब
एक ही टाइप के सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट ना करके, मतलब आपके पास जितने भी फंड्स हैं, जितने भी आपकी सेविंग्स है, उन सभी सेविंग्स को एक ही टाइप के सिक्योरिटी में ना करके डिफरेंट टाइप ऑफ सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करना इज कॉल्ड योर डाइवर्सिफिकेशन। और डाइवर्सिफिकेशन करने का मेन रीजन ही यही होता है कि हम अपने रिस्क को कम से कम कर सके और जो हमारे रिटर्न है उसको ज्यादा से ज्यादा बढ़ा सके, इसीलिए डाइवर्सिफिकेशन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डैश इज कंसर्न्ड विद द एक्विजिशन, फाइनेंसिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ एसेट विद सम ओवरऑल गोल इन माइंड, कि इनमें से क्या एक्विजिशन, फाइनेंसिंग और मैनेजमेंट ऑफ एसेट से रिलेटेड है, इनमें से क्या एक्विजिशन, फाइनेंसिंग और एसेट्स की मैनेजमेंट से रिलेटेड है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, एजेंसी थ्योरी और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। बताओ स्टूडेंट्स, हरी अप, आफरीन एंड मोहित सिंगला, फटाफट आंसर कीजिए, क्या रहेगा? एसेट्स के मैनेजमेंट, एसेट्स की फाइनेंसिंग और एसेट्स को एक्वायर करने से इनमें से क्या रिलेटेड है? मोहित सिंगला कह रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट, सो लेट द आंसर, बिल्कुल सही मोहित सिंगला का आंसर बिल्कुल सही है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। जितनी भी हमारी एसेट्स हैं, एसेट्स को मैनेज करना, उनमें कौन सी एसेट्स में फाइनेंसिंग करनी है, इनकी कौन सी एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करनी है, कौन सी एसेट्स को एक्वायर करना है, ये सब हम किस में करते हैं, हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपका, डैश इज कंसर्न विद द मैक्सिमाइजेशन ऑफ अ फर्म्स अर्निंग्स आफ्टर टैक्सेस। डैश इज कंसर्न विद द मैक्सिमाइजेशन ऑफ ए फर्म्स अर्निंग्स आफ्टर टैक्सेस। शेयर होल्डर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, स्टेक होल्डर मैक्सिमाइजेशन, ईपीएस मैक्सिमाइजेशन, बताओ स्टूडेंट्स। हरी अप स्टूडेंट्स, हरी अप, क्या आंसर रहेगा? शेयर होल्डर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, स्टेक होल्डर मैक्सिमाइजेशन एंड ईपीएस मैक्सिमाइजेशन, एंड द राइट आंसर इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज कंसर्न्ड विद द मैक्सिमाइजेशन ऑफ फर्म्स अर्निंग्स आफ्टर टैक्सेस, कि जो फर्म की अर्निंग है, कौन सी अर्निंग जो आफ्टर टैक्सेस की है, उन अर्निंग्स को मैक्सिमाइज करने को हम क्या कहते हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। एक कंपनी की जितनी भी अर्निंग्स है, अर्निंग्स कौन सी आफ्टर टैक्स वाली, आफ्टर टैक्स वाली अर्निंग्स को ज्यादा से ज्यादा करने को हम क्या कहते हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, क्या कहते हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डैश इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट गोल ऑफ द फर्म। एक फर्म का एप्रोप्रिएट गोल क्या है, कोई भी फर्म है उसका एप्रोप्रिएट गोल क्या होता है? स्टेक होल्डर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, स्टेक होल्डर मैक्सिमाइजेशन, ईपीएस मैक्सिमाइजेशन। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है गाइस, फटाफट आंसर कीजिए। आफरीन आप आंसर क्यों नहीं कर रहे, फटाफट आंसर कीजिए। तो किसी भी फर्म का जो एप्रोप्रिएट गोल होता है वो होता है शेयर होल्डर की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना। जो भी हमारे शेयर होल्डर होते हैं उन शेयर होल्डर की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना, शेयर होल्डर की वेल्थ मैक्सिमाइज करने की शेयर होल्डर की वैल्यूज को जनरेट करना, शेयर होल्डर की वैल्यूज को जनरेट करना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ अ कंपनी इश्यू बोनस शेयर द डेट इक्विटी रेशियो रिमेन अनअफेक्टेड, will be affected, will improve or none of the above, कि अगर एक कंपनी बोनस शेयर इशू करती है तो डेट इक्विटी रेशो के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा। अगर कोई भी कंपनी बोनस शेयर इशू करती है तो डेट इक्विटी रेशो के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा आपका, वो अनअफेक्टेड रहेगी, अफेक्टेड होगी, इम्प्रूव होगी या none of the above, बताओ स्टूडेंट्स। अगर कोई कंपनी बोनस शेयर को इश्यू करती है तो जो डेट इक्विटी रेशियो है वो हमारी इम्प्रूव होगी,
अगर कोई कंपनी क्या करती है बोनस शेयर इशू करती है तो जो हमारी डेट इक्विटी रेशियो है वो क्या होगी, इम्प्रूव। इम्प्रूव कैसे होगी, क्योंकि जो हमारे बोनस शेयर है उसको इशू करेंगे तो उससे हमारी जो इक्विटी है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज, और जो डेट है वो हमारे सेम रहेंगे। और सेम रहेंगे तो फॉर्मूला होता है हमारा डेट इक्विटी रेशियो का, डेट अपॉन इक्विटी। तो डेट आपके पहले की तरह सेम है और जो इक्विटी है वो आपकी क्या है, इंक्रीज हो चुकी है। तो डिनोमिनेटर जब आपका इंक्रीज हो गया है तो आपकी ओवरऑल डेट इक्विटी रेशियो क्या हो गई, इम्प्रूव। तो आपकी ओवरऑल जो डेट इक्विटी रेशियो है वो क्या हो जाएगी, आपकी इम्प्रूव। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन, द डैश डिसीजन इन्वॉल्व्स अ डिटर्मिनेशन ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ एसेट्स नीडेड, द कॉम्पोजिशन ऑफ एसेट्स एंड वेदर एनी एसेट्स नीड टू बी रिड्यूस्ड, एलिमिनेटेड और रिप्लेस्ड। एसेट मैनेजमेंट, फाइनेंसिंग, इन्वेस्टमेंट एंड अकाउंटिंग। बताओ स्टूडेंट्स, हरी अप आंसर कीजिए, इनमें से कौन सा डिसीजन है जिसमें हम जो हमारी जितनी भी एसेट्स है, जितनी एसेट्स की हमें नीड है उसकी टोटल अमाउंट का डिटरमिन किया जाता है, कॉम्पोजिशन ऑफ एसेट्स को डिटरमिन किया जाता है कि हमें कौन कौन सी एसेट्स चाहिए उनका कॉम्पोजिशन डिसाइड करना, एंड वेदर एनी एसेट्स नीड टू बी रिड्यूस कि किसी एसेट्स को रिड्यूस करना है, एलिमिनेट करना है या रिप्लेस करना है। ये सब हमारा इससे रिलेटेड डिसीजन को हम क्या कहते हैं कि एसेट्स, जो हमारी एसेट्स है कौन सी एसेट्स को हमें रिड्यूस करना है, एलिमिनेट करना है, रिप्लेस करना है, एसेट्स के कॉम्पोजिशन को डिसाइड करना कि कौन कौन सी हमारी एसेट्स रहेंगी, और एसेट्स जो जो हमें एसेट्स की नीड है उसमें टोटल अमाउंट हमें कितनी रहेगी, इस तरह के डिसीजन को हम क्या कहते हैं। तो इस तरह के डिसीजन को आप कहते हैं इन्वेस्टमेंट। क्या कहेंगे आप, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कैसे, मोहित सिंगला कह रही है इसका एसेट मैनेजमेंट। जी नहीं, एसेट मैनेजमेंट नहीं, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी हमारी एसेट्स हैं कौन सी एसेट को परचेज करना है, कौन सी एसेट को सेल करना है, कौन सी एसेट को रिप्लेस करना है, कौन सी एसेट्स की हमें नीड है, इसके लिए हमें क्या परचेज करेंगे, इन्वेस्टमेंट होगी, सेल करेंगे तो भी हम उसको सेल करके किसी नई एसेट्स को हम खरीदेंगे तो वो भी इन्वेस्टमेंट है, रिप्लेस करना है तो वो भी हमारी क्या है, इन्वेस्टमेंट। यानी कि एसेट से रिलेटेड जितने भी डिसीजंस हम लेंगे वो सारे के सारे हमारे क्या होते हैं, इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डिसीजंस होते हैं। एसेट्स में हमें उनकी अमाउंट डिस्क्लोज, देखो साफ साफ लिखा है टोटल अमाउंट ऑफ एसेट्स नीडेड कि हमें कितनी अमाउंट की एसेट चाहिए, कि हमें 10 लाख की चाहिए, 50 लाख की चाहिए, 20 लाख की, टोटल एसेट्स हमें जितनी अमाउंट की चाहिए वो डिसाइड करना, 1 करोड़ की चाहिए, 2 करोड़ की चाहिए, 10 लाख की चाहिए, कितनी अमाउंट की हमें एसेट्स की रिक्वायरमेंट है। कॉम्पोजिशन ऑफ एसेट्स, कैसी कैसी कौन कौन सी एसेट्स हमें उसके लिए चाहिए, शॉर्ट टर्म एसेट्स, लॉन्ग टर्म एसेट्स, मशीनरी कौन सी चाहिए, इस तरह की, और किसी एसेट को रिड्यूस करना है, एलिमिनेट करना है, रिप्लेस करना। तो ये सारा हमारा इस टाइप के जो डिसीजंस लिए जाते हैं उन डिसीजन को हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन। क्या कहा जाता है उन्हें, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो गाइज ये थे आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट के 25 ऐसे MCQs जहां से आपको पता चलेगा कि आपने जो FM फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो कितना पढ़ा हुआ है और कितना नहीं। तो गाइज इसी तरह के और MCQs के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए टीचर्स अड्डा के यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आप सबको पता है हमारा UGC नेट पेपर 1 और पेपर 2 का जो बैच है वो 23 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। तो गाइज प्लीज अपने आप को एनरोल कीजिए, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी आपका फ्रेंड सर्कल है, अपने सोशल मीडिया के थ्रू इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा एनरोलमेंट कीजिए ताकि हम जल्दी से इस बैच को स्टार्ट कर सके और आप अपने सपनों को पूरा कर सके। और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, बिल्कुल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी कीजिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।